हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए आज आपको लाल साग से बनी हुई रेसिपी दिखाते हैं। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसी यही डंटा से उसका सब्जी बना लें। आलू डंटा का सब्जी बनाएंगे आज। आलू डंटा ये सिंबल का गाछी है, इसमें लुई होता है। मैंने कुछ आलू काट लिया है। चूल्हे में कढ़ाई बिठा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। तेल डाले हैं, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के फ़ोरन में प्याज दिए हैं। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसमें आलू और लाल साग का डंठी जो काट के रखे हैं उसको डाल देंगे और उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कढ़ाई में आलू और डंठा सबको डाल दिए हैं। अब उसमें नमक हल्दी हल्का सा डाल के उसको थोड़ी देर भूनेंगे। मसाला में जीरा लहसुन 5 फ़ोरन पीस लेंगे, डाल देंगे। मेरे पास एक भिंडी था तो हमें एक भिंडी भी डाल दी। आपके पास अगर भिंडी है तो आप भिंडी भी डाल सकते हैं। सब्जी को थोड़ी देर भूज लिए हैं, अब उसमें मसाला पेस्ट डाल दिए हैं। लहसुन जीरा 5 फ़ोरन का पेस्ट और लाल मिर्ची पाउडर। अब थोड़ी देर उसको ढक देंगे थोड़ा सा पानी मिला के। मसाला और पानी जो डाले थे, पानी सोख। इसको हमारे गांव की भाषा में गन्ना की सब्जी बोला जाता है। ये लाल साग का डंटा होता है, जब गाछी बड़ा हो जाता है लाल साग का तो उसका ये बनाता है। ये अच्छी तरह से भुजा जा चुका है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी अनुसार आप पानी मिला सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक मिला के 10 मिनट पकने दीजिए। उसके बाद सब्जी रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरीके से एक बार अपने घर में बना के देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई गलती हुआ तो क्षमा कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।